बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर एस्पिरेंट्स, आज इस सेशन में हम दो तीन बातें करेंगे जिसमें जनरल रिक्रूटमेंट पे जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है एफपीएससी के मुख्तलिफ टेस्टों में, उनके लिए भी कुछ बात है और कुछ सीएसएस के एस्पिरेंट के लिए भी बात है। तो पहले अगर मैं सीएसएस के बारे में बात करूँ तो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का जो सिलसिला है वो ऑनलाइन क्लासेस का शुरू हो चुका है और हमने सबसे पहले फ़िलासफ़ी को हमने स्टार्ट किया था और फ़िलासफ़ी हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। फ़िलासफ़ी तो उसका आउटलाइन जो एफपीएससी का सिलेबस गिवन है उसके मुताबिक है और उनके टीचर हैं डॉक्टर, इन्होंने डॉक्टर हैं ये फ़िलासफ़ी में डॉक्टर जैनुल्ला, डॉक्टर जैनुल्ला साहब इसके टीचर हैं और उन्होंने इस कोर्स को कंप्लीट कर दिया है और अब हम नेक्स्ट अपना जो कोर्स है वो सोशियोलॉजी जो है उसको स्टार्ट कर दिया है। सोशियोलॉजी भी इंशाल्लाह दो तीन वीक में कंप्लीट हो जाएगा और इसके लेक्चर्स भी आना शुरू हो जाएंगे। तो जो एस्पिरेंट सीएसएस के या पीएमएस के जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है और वो ऑप्शनल सब्जेक्ट इनमें से लेना चाहते हैं तो ये कोचिंग ले सकते हैं ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू घर बैठे हुए, जैसे कि हालात का आपको पता है, कहीं एकेडमी में जाना तो मुश्किल है अब। तो बाकी भी हमारे पीएमएस की क्लासेस और सीएसएस की क्लासेस भी चल रही हैं, आप उनको भी कोर्सेज अगर ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ऑप्शनल के बारे में हमने बताना था कि ये अवेलेबल हो चुके हैं फ़िलासफ़ी एज़ पर आउटलाइन गिवन बाई द एफपीएससी, और पीएमएस के जो लोग हैं जिन्होंने पीएमएस पे अप्लाई किया वो आउटलाइन देख लें अपनी एक दफ़ा, देख लें अगर कोई डिफरेंस होगा तो वो हम लेक्चर्स कवर करवा देंगे। तो इसके अलावा दूसरी जो बात है वो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने लास्ट टाइम को एक दिया था नोटिफिकेशन जिसमें उन्होंने बिड्स मांगी थी और सीबीटी यानी कि ऑनलाइन टेस्टिंग का सिस्टम इंस्टॉल करना चाह रहे थे, तो उसमें कुछ डेट की एक्सटेंशन हुई। तो उस पर पहले भी मुझे टाइम नहीं मिला था, लेकिन बात करना मकसूद ये था कि जो एफपीएससी के आने वाले वक्त में टेस्ट होंगे वो ऑनलाइन होंगे। तो ये जो कोरिजेंडम इशू किया गया है वो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल हायरिंग द सर्विस कंसल्टेंसी फर्म फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एफपीएससी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग सीबीटी, जिसको मैंने कहा था कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग आने वाले टेस्ट में शुरू होने वाले, वो सिर्फ और सिर्फ साउंडलेस एक मैंने नोटिफिकेशन वेबसाइट पर इशू किया था। तो उस पर कुछ लोगों को ये लगा था कि जैसे ये फेक है, ऐसी चीज़ नहीं है, एफपीएससी ये कंसल्टेंसी फॉर्म हायर करने जा रही है जो आने वाले वक्त में आपके ऑनलाइन टेस्ट होंगे और हो सकता है कि रीजनल बेस पे जैसे कि लाहौर, क्वेटा, पेशावर और कराची में इनके सेंटर बने जहाँ पे कंप्यूटर्स रखे जाएंगे और सॉफ्टवेयर ये डिवेल्प करवा रहे हैं और इसमें डिवेलपमेंट के लिए कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक मंथ लगेगा। तो अब आने वाला जो कोविड-19 की वजह से इश्यूज चल रहे हैं, हो सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग काफ़ी देर तक अप्लाई करनी पड़े, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा उसमें लिमिटेड कैंडिडेट्स को बुला के टेस्ट कंडक्ट किया जा सकता है। तो ये तरीक़ेकार है और एफपीएससी के ये जो पैटर्न होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, तो हमारी जो हार्वर्ड अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं वो लकी इनफ साबित हुए हैं क्योंकि हमारे जो एक तो ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम है, दूसरे नंबर पे हमारे जो टेस्ट और क्विजेज मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं वो भी ऑनलाइन ही होते हैं और कंप्यूटर बेस्ड ही होते हैं। तो मसला ये होता है कि जो कंप्यूटर को इस्तेमाल करना नहीं जानता तो पेपर में बैठ के कन्फ्यूजन होती है और टाइम को सही प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाते, जबकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये फ़ायदा रहेगा और उनको भी चाहिए कि मज़ीद जो हमारे क्विजेज हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को अटैम्प्ट करने का एक सलीका जो है तरीक़ाकार है वो रहे और पेपर के टाइम में आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड द सक्सेस। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था, एक तो जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है सीएसएस पीएमएस के उनको हमने स्टार्ट कर दिया, दूसरा आने वाले वक्त में ऑनलाइन टेस्ट होंगे एफपीएससी के। तो अभी टेस्ट का कोई ये नहीं है कि कब टेस्ट आएंगे, हो सकता है महीना, दो महीने, जितना भी टाइम लगता है आप उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे इस्तेमाल करें।
वो स्टूडेंट्स जो हमारे ऑलरेडी क्लासेस ले रहे हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनकी क्लासेस को टाइम भी उनको ज़्यादा मिल रहा है, वो ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स ये चाह रहे हैं कि डेट शीट आएगी तो हम तैयारी करेंगे, तो इस तरह तैयारी नहीं होती। आप भी एज़ सून एज़ पॉसिबल अपने टेस्ट की तैयारी अच्छे तरीके से शुरू कर दें, और कोशिश करें कि ऑनलाइन आप अपने टेस्टों की क्विज़ की प्रैक्टिस करें, ताकि आप एक हैबिचुअल हो सकें और FPSC का जब आपका टेस्ट हो तो आपको कोई कन्फ्यूजन पेपर अटैम्प्ट करने में ना रहे। तो ये थी इन्फॉर्मेशन जो आपको कम्युनिकेट करना चाह रहे थे। थैंक फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।